उत्तर प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का सबसे चर्चित चेहरा सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर जानलेवा हमला होने की बात सामने आई है। इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। जानकारी के मुताबिक सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर जिले के अपनी विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण पर गए थे, इसी दौरान यह घटना सामने आई है। जैसे तैसे ओम प्रकाश राजभर के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हमलावरों से बचाया। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर सुरक्षित है। इस घटना को लेकर राजभर ने पुलिस से शिकायत भी की है। आज मैं अपने साथियों के साथ अपने विधानसभा जहूराबाद गाजीपुर में गांव सभा गोसलपुर कदरिया में एक दरवाजा करने के लिए मृतक परिवार था, उसके शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं उसके दरवाजे पर गया, बैठा बातचीत कर ही रहा था कि 10-12 लोग लाठी डंडे से लैस होकर के गाली गुप्ता देते हुए मारपीट करने के लिए तैयार हो गए। साथ में हमारे 50 लोग साथ में थे, जिन लोगों के बीच बचाव से सुरक्षा कर्मी के सहयोग से हम थोड़ी दूर बचा करके निकाले हैं। अभी भी वो सब लाठी डंडा लेकर के मारपीट करने पर आमादा हैं। मैंने एडीजी लाइन आर्डर को, कंट्रोल रूम, उत्तर प्रदेश पुलिस को, एसपी को, एसओ को, सबको बता चुका हूँ इस घटना की जानकारी। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात का ढिढोरा पीट रहे हैं कि लाइन आर्डर ठीक है, जब विधायक के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, जनता के बीच में विधायक नहीं जाएगा तो विधायक कहाँ जाएगा, किसी के दुख में सुख में नहीं जाएगा। इस तरह की हरकत गोसलपुर गांव, पहदरिया थाना, करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर, विधानसभा 377 जहूराबाद गाजीपुर की घटना है, और जिसको लेकर के जिस तरह का लोगों में लाठी डंडा लेकर के मारपीट करने पर आमादा है, अगर हम कंट्रोल नहीं किए होते तो आज यहाँ बवाल काफी बढ़ जाता। सुहलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जहूराबाद के विधायक ओम प्रकाश राजभर पर हमले की घटना से पार्टी में खासा आक्रोश है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने आरोप लगाया है कि ओम प्रकाश राजभर को जहूराबाद में कुछ कथित ऊंची जात के संकीर्ण विचारधारा वाले लोगों ने जान से मारने की कोशिश की। अरुण राजभर ने कहा कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था मजबूत होने का दावा करती है, लेकिन विधायकों पर ही हमले हो रहे हैं, उनकी जान को खतरा है। इससे पहले भी ओम प्रकाश राजभर पर हमला किया गया था, FIR भी कराई गई थी, लेकिन पुलिस अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि आज हुए हमले में आरोपियों की पहचान की जा रही है, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रदेश के सभी थानों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी के सोशल अकाउंट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान जारी किया है, जिसमें अखिलेश यादव कहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। मुख्यमंत्री जी के दावे कितने खोखले हैं, यह थानों में बलात्कार की आए दिन हो रही घटनाओं से प्रमाणित है। भाजपा RSS लोकतंत्र विरोधी संगठन है। भाजपा सरकार में इसलिए विपक्ष को अपमानित करने की घटनाएं घोर निंदनीय है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सुहलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर के जीवन को खतरा है। उन पर पिछले दिनों कई हमले हुए हैं, फिर भी उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं की जा रही। विपक्षी जन प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। अखिलेश यादव ने मांग की है कि सभी विपक्षी नेताओं की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए, जिससे उन्हें जनता के बीच जाने और उनकी आवाज उठाने में कोई खतरा न हो। उत्तर प्रदेश से लगातार इस तरह अपराध की घटनाएं सामने आने से उत्तर प्रदेश में लगातार भय का माहौल बना हुआ है। क्या आम आदमी, क्या पुलिस वाले और क्या विधायक नेताओं पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। ऐसी तमाम घटनाएं सामने आने के बाद सरकार लगातार सवालिए निशान पर बनी हुई है। आगे देखना बाकी है कि क्या योगी आदित्यनाथ का नारा, जो कहते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से दुरुस्त है, ये कितनी दुरुस्त है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज, दिल्ली।